वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश, यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर यानी आकृतियों की गणना पढ़ रहे थे, और सबसे पहला जो टाइप था वो था हमारा त्रिभुजों की गणना। हम त्रिभुजों की गणना में हमने कुछ टाइप्स पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टाइप और पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अभी जब तक हमने पढ़ाया त्रिभुज बना रखा था, तो उसमें त्रिभुजों की संख्या मतलब हम काउंट करना पूछ रहे थे। अब क्या है, जैसे मान लो कोई वर्ग या आयत है, उसके अंदर त्रिभुज बने, तो उसको कैसे करेंगे? देखो, जब वर्ग या आयत में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, आप ध्यान से देखेंगे इसको कि जैसे मान लो कोई वर्ग है, ये एक वर्ग बना दिया मैंने, या कोई एक आयत बना दी, जो भी हो, देखो आप देखो इसके अंदर ये मैंने एक वर्ग बनाया है। इस वर्ग में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? देखो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, और क्या करेंगे, एक ये पूरा पांच त्रिभुज, ठीक है, और पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ये वाला छः त्रिभुज, ये वाला सात त्रिभुज, और ये वाला आठ त्रिभुज। मतलब कि चार त्रिभुज इसमें सीधे सीधे हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, मतलब कि चार त्रिभुज हो गए इसमें, ठीक है। और आगे देखो आप, इसमें ये वाला त्रिभुज क्या है, ये वाला, ये पांच त्रिभुज हो गए, इसके इधर ही एक छह त्रिभुज हो गए, ठीक है। और अब देखो ये इस लाइन से बनेंगे, इस लाइन से कितने त्रिभुज हो गए, सात त्रिभुज हो गए, और इस त्रिभुज से कितने हो गए, आठ त्रिभुज। क्लियर है ना ये बात? अब मेरी बात ध्यान सुनो, दूसरी आकृति। अगर ये दो हो जाए, कितने हो जाए, दो, ध्यान से देखना, आप बताओ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार आठ से ही हो गए। मतलब कि अगर हम बात करें इसकी बात करें, इससे इधर इधर कितने त्रिभुज, इसमें कितने बने थे बताओ, एक दो तीन चार, तो अब चार का डबल कर सकते हैं, ये ट्रिक्स बन सकती है, इसमें चार दो नहीं, आठ त्रिभुज बन जाएंगे। इसमें भी कितने हैं बताओ, इसमें भी चार दो नहीं, आठ, प्लस इसमें भी कितने, चार दो नहीं, आठ, बात आ गई, प्लस। अब देखो, इससे एक त्रिभुज ये बन सकता है, ये वाला एक, ठीक है ना, और इससे इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बन गया, कितने हो गए, दो और बन जाएंगे, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बन गए बताओ, 18 त्रिभुज, यहाँ पर कितने, 8, बात आ गई समझ में। तीसरा त्रिभुज देखो आप, एक दो तीन चार, चार दुनी आठ, ठीक है, एक दो तीन चार, चार दुनी आठ, एक दो तीन चार, चार दुनी आठ। अब देखो आगे, आप इससे बताओ, एक त्रिभुज ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला एक और एक दो,
और दो इससे नीचे बनेंगे तो चार और बन गए, तो मतलब क्या हो जाएगा, आठ या 24 और चार 28 त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। कितने त्रिभुज बनेंगे? 28 त्रिभुज। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ये नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे? बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? देखो सबसे पहले इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ से इसको कट कर दो थोड़ी देर के लिए, आप क्या कर देंगे, कट कर दो। आप इधर देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, अगर एक वर्ग या आयत में जितने त्रिभुज बनते हैं उसका हम डबल कर देते हैं तो उतने बनेंगे। इसमें छः दूनी कितना आ जाएगा, 12, और 12 इसमें, ठीक है, तो 12 और 12 24 तो हो ही गए। लेकिन एक त्रिभुज देखो इस लाइन से, देखो आप इस लाइन से इसको जब काटेंगे ना तो इन दोनों से एक त्रिभुज से ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये एक, और ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज दो, दो ही ऊपर बनेंगे, एक तो ये वाला 3 और एक ये वाला 4 त्रिभुज बनेंगे। तो टोटल बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? 28 त्रिभुज बनेंगे। बताओ इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे? इसका ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इसके ऑप्शन आप लिख सकते हैं 35, 31, 32, 39। 35, 31, 32, 39। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। एक दो तीन चार, चार दूनी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, और इसमें भी 8। 8 और 8 16, और 16 कितने हो गए, 32 तो यहाँ तक बन गए, है ना। इसमें देखो आप, एक तो ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा 2, ठीक है, और एक ये 3, और एक ये 4, एक ये 5, और एक ये 6 ये बन गए। तो 32 प्लस में 6, 38 हो गए, और एक त्रिभुज ये और बन जाएगा बस ये वाला, और कोई त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा, इसलिए कितने त्रिभुज बनेंगे कुल मिलाकर? 39 त्रिभुज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 39 होगा। क्लियर है ना? देखो ये 5 एग्जांपल हो चुके हैं, मतलब इसके टाइप में हम पढ़ रहे हैं अभी, ये पर्टिकुलर इस तरीके की वर्ग आयत में जब हम त्रिभुज बनाते हैं तो कितने त्रिभुज बनते हैं। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें, छठा क्वेश्चन देखो एक बार। छठे क्वेश्चन में क्या होगा,
कि इस तरीके से हो। मान लो छठा क्वेश्चन, देखो एक और ये दो हों इसके अंदर, आप इसके अंदर बनाओ पहले एक तरबूज, ये बन गया, फिर इसके अंदर बनाओ ये बन जाएगा, फिर ये बनाओ फिर इसके अंदर भी बन जाएगा। अब आप इसके अंदर ये देखो, अगर मैं इस नीचे वाले को हटाकर यहाँ लगा दूँ तो कितने तरफ बनेंगे इसके अंदर? देखो काउंट करो, 1 2 3 4, वही तो, वो तो 8 ही बनेंगे। इसमें 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 हो गए। और वही एक त्रिभुज ये बनेगा, ये वाला एक, फिर ये दो, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6, 6 तो यही बन गए। एक बड़ा त्रिभुज आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला कितने हो गए, कितने हो गए, 32 38 और 39, तो यही हो गए। अब ध्यान से देखना अब कौन सा बनेगा इसमें, वो चीज़ महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक कर लीजिए। बनेगा ये वाला, बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं तरबूज भाई। एक तरबूज ये बन रहा था इसमें, ये वाला एक, ये वाला, तो ऐसा ही इस लाइन से बनेगा, इस लाइन से एक, तो ये दो हो गए ना, मतलब ये वाले दो हो गए। दो और बताओ इसमें, और एक त्रिभुज और बन सकता है अभी। ये काउंट थोड़ी क्या है अपन, हाँ कितने हो गए, 41 तरबूज टोटल कितने हैं, 41 तरबूज। ठीक है, मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन दे रखा है 40 41। देखो सातवां इसमें टाइप क्या बन सकता है, मतलब कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसमें। मान लो कि एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये सवाल 2016 में रेलवे एनटीपीसी में आया था। ठीक है, रेलवे एनटीपीसी में, ध्यान से देखना। अगर मान लो यहाँ से अगर यहाँ तक ये मिलेंगे तो मतलब हम इसको दुगना कर सकते हैं त्रिभुजों को काउंट करके। अगर ये आकृति यहाँ से ऐसे हो, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से शीर्षों से बने त्रिभुज जो होते हैं ना, उनका हम डबल कर सकते हैं, या इस तरीके से हो, जैसे मान लो सपोज करो इस तरीके से, ऐसे तो हम इनको कर सकते हैं काउंट सबको। लेकिन अगर कंडीशन ये हो,
यहाँ पर पॉइंट, यहाँ बीच में पॉइंट, यहाँ पर और यहाँ पर, ये वर्ग और ये वर्ग। अब ये वर्ग बन गया इसके अंदर। अब वर्गों का मतलब ये क्या है, शीर्ष हैं एक तरीके से। अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। तो देखो ये जो आकृति है ना, ये वाली, ये एक वर्ग हो गई, और ये वर्ग में जो त्रिभुज बनेंगे ना वो शीर्षों से हैं। एक दो तीन चार, चार दूनी आठ, तो आठ प्लस ये त्रिभुज जो है ना, ये इससे एक है ना, फिर ये एक, ये एक, ये वाला एक, तो कितने बन गए टोटल, इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे। ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दूरी 16, तो 16 जो होगा इस ऑप्शन का क्या आ जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इसका सही जो एग्जैक्ट आंसर हो क्या होगा, 12 होगा। तीसरा टाइप इसके अंदर, किसी भी प्रकार का, प्रकार के चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुजों की संख्या की संख्या ज्ञात करना। देखो जैसे एक त्रिभुज है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज है, और ये एक त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, ठीक है। आप बताओ अगर पहले ये त्रिभुज बनाए, मान लो ये ध्यान से देखना, ये पहले एक त्रिभुज बन गया था, मान लो ये पहले एक त्रिभुज है, अगर एक त्रिभुज के अंदर इनकी मध्य भुजाओं से मतलब त्रिभुज बनाया जा रहा है ऐसे, तो इसके अंदर जब एक त्रिभुज और बनाया जाएगा तो एक त्रिभुज को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है बताओ, मतलब इसके बनने से और कितने त्रिभुज बने, एक, ये एक और ये एक, एक तो पहले बना ही था, एक तो पूरा बड़ा बना पड़ा है, ठीक है ना। और जैसे ही मान लो ये त्रिभुज बनेगा इसके अंदर एक त्रिभुज, तो ये कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक दो एक, ये मतलब चार भागों में डिवाइड कर रहा है, नहीं बैठी बात समझ में, एक दो तीन और ये चार त्रिभुज बन गए मतलब, और पूरे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, पाँच, नहीं बैठी बात समझ में। मान लो कि मैं और इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर देखना इसको, अब फिर कितने बन जाएंगे बताओ, ये फिर चार बन जाएंगे, मतलब चार चार, मतलब जैसे एक त्रिभुज और बनेगा ना, तो ये एक दो तीन चार हो गए, एक पूरा तो ये काउंट कर ही चुके हैं हम उसमें, नहीं बैठी बात समझ में। तो ऐसे एक त्रिभुज तो पूरा बड़ा है, जैसे अगर इसके मध्य भुजा से त्रिभुज बनते हैं, जितने बनते हैं आप इनको गिनो, इस आड़ी लाइनों को गिनो, एक और ये दो, इस दो अगर ऐसे आड़ी लाइन आ रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक बड़े त्रिभुज के अंदर अगर मान लो ऐसे दो त्रिभुज, दो लाइन आ रही है इस तरीके की, इसका मतलब है चार चार दो बार लिखेंगे तो इसका मतलब इसमें 9 त्रिभुज बनेंगे। बात आई कि नहीं समझ में। एक दूसरा क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसके अंदर में,
कितने हो गए? ध्यान दो इस त्रिभुज में, सबसे बड़ा एक त्रिभुज तो बन ही रहा है इसके अंदर, प्लस ऐसी कितनी लाइन आ रही, एक, ये दो और ये तीन, तो तीन को किससे गुणा करेंगे, चार से, 13 त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर। आगे बात समझ में, ये भी ठीक है बिल्कुल, ये जो ऐसे लाइन है ना आड़ी लाइन, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, इससे चार त्रिभुज डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें चार 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 एक लाइन के, चार दूसरे लाइन के, चार तीसरे लाइन के, एक बड़ा त्रिभुज, तो चार चार 12 और एक 13 त्रिभुज बनेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, आगे देखो नेक्स्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो एक बार ध्यान से, अगर ये त्रिभुज बना हुआ है, ये मान लो ये त्रिभुज, इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः त्रिभुज तो वैसे बन गए, और इससे देख रहे हैं इस लाइन से, एक सात त्रिभुज ये बन गए, ठीक है। और एक मैं आपको वैसे और काउंट करके बता देता हूँ, एक इससे ये कितने बनेंगे, देखो ये देखो कितने बनेंगे, ये वाले इस लाइन से देखो आप कितने बनेंगे, इस लाइन से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें कुल मिलाकर छः और प्लस में दो, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ, आठ त्रिभुज इसके अंदर बनने चाहिए, ठीक है। दोबारा काउंट कर लो, एक एक ये, एक ये, एक ये वाला, एक ये, और इसमें दो त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं ऐसे, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है बस, और कोई त्रिभुज नहीं बनेंगे, छः और दो आठ त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। आगे देखो आप चौथा क्वेश्चन, अगर ऐसे त्रिभुज हो, ऐसा अगर स्टार हो, एक स्टार में कितने त्रिभुज बनेंगे, एक, ऐसे ये दो, ठीक है ये दो, ये कितने, तीन, एक दो तीन चार, चार हो गए ना, एक ये पांच, पांच त्रिभुज तो ये बन गए इसमें। और ध्यान से देखना, एक इस लाइन से, इस लाइन से एक त्रिभुज देखना, इस लाइन से देखो, इस लाइन से, इस लाइन से एक त्रिभुज बन गया पूरा, ये एक त्रिभुज इस लाइन से बन गया, इससे फिर इससे और बनेगा एक, ठीक है। ऐसे हर लाइन से, इससे पांच त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, पांच ये बन गए, तो कुल मिलाकर इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। पांच क्वेश्चन देखो, पांचवा, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ध्यान से देखना, इसमें अगर इनको मिला दे तो, और अब बताओ कितने त्रिभुज बनेंगे। देखो ध्यान से, इस लाइन के बनने से, ठीक है, इस लाइन के बनने से इसके अंदर कितने त्रिभुजों की संख्या और बढ़ जाएगी, तो मेरी बात ध्यान से सुने आप। सबसे पहले
आप बताओ कि आप इस त्रिभुज को काउंट कर चुके हैं, एक को, इस त्रिभुज को एक को, इस एक को, इस एक को और इस पूरे वाले एक को, पूरे एक की बात कर रहा हूँ, इस वाले पूरे एक की कर चुके हैं ना, और पूरे इस एक को भी आप काउंट कर ही चुके हैं, तो छः तो ये बनेंगे, एक सात और ये पूरा आठ, मतलब ये वाला त्रिभुज पूरा और ये वाला त्रिभुज पूरा, आप इसको तो काउंट कर ही चुके हैं ना, ठीक है, इसको आप काउंट कर चुके हैं। अब देखना ध्यान से, आप बताओ कि इसके अंदर अगर मान लो ऐसे ऐसे एक लाइन है तो दो त्रिभुज तो ये बन गए, और इसके नीचे आप ध्यान सुनना, इस पूरे को आप काउंट कर चुके हैं लेकिन इसके अंदर दो यहाँ तक बन गए, यहाँ तक बन गए, ऐसे ही इससे यहाँ पर दो यहाँ पर बन जाएंगे और दो ऊपर बन जाएंगे। ये देखना आप, इसको देखना, एक त्रिभुज क्या ये हम काउंट कर चुके हैं, कि ये काउंट कर चुके हैं, कि बताओ नहीं कर चुके ना, एक त्रिभुज ये वाला इससे काउंट कर चुके हैं क्या, दो त्रिभुज आपके क्या बन गए, ये बन जाएंगे, बात आई समझ में भाई, एक दो तीन चार पाँच छः तो ये हो गए सीधे, एक पूरा हो गया, एक ये नीचे वाला हो गया, और दो दो आपको पता है कहाँ बन रहे हैं, दो दो और दो इससे और दो इससे नीचे से, समझ में आ गए ना, देखो दो इससे दो इससे है ना, और दो इससे ऐसे ऐसे, और फिर दो इससे कितने हो गए, एक बार और दो लिखो है ना, एक बार दो लिखा नहीं हमने, और दो ये क्या हैं, ये वाले यहाँ से ऐसे ऐसे कितने हो गए, छः सात आठ दो दस बारह चौदह सोलह और अट्ठारह, कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे बताओ, अट्ठारह त्रिभुज बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ, ठीक है, एक बार इसको मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देख लो, देखो एक 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 और एक कितने हो गए, छः, एक पूरा त्रिभुज ये वाला कितने हो गए, ठीक है, एक पूरा त्रिभुज ये वाला कितने हो गए, आठ, बात ध्यान समझना, ये लाइन यहाँ तक थी, जब तक कितने बने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दो बन गए, एक और ये एक, अगर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूँ इस तरीके से आगे बढ़ा दूँ, तो इसका मतलब अब यहाँ तक ये पूरा एक ये वाला हो गया और पूरा ये वाला हो गया, तो दो बन गए नहीं बन गए बताओ, बन गए, अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाऊँ तो दो ये बन गए, एक और एक दो है ना, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक अगर लाइन को बढ़ाऊँ यहाँ से यहाँ तक, तो दो ये बन जाएंगे इससे, ठीक है, अब देखो आप ये दो दो चार दो छः दो आठ, पता लग गया ना कैसे बनाए ये, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे इससे जो ये त्रिभुज है ना ये वाला एक और एक दो, एक पूरा एक ये दो, दो ये बन गए, तो कुल मिलाकर कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है, अट्ठारह त्रिभुज और बनेंगे, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप इसको भी, इस क्वेश्चन को भी, आज तक रीजनिंग के अंदर काउंटिंग ऑफ फिगर में इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।